करप्शन करके जो नोट जमा करके अपने बंगलों में रखे हैं, अगर उसको चूहा काटा या फिर वो चूहा मर गया तो वो चूहे मरने की जिम्मेदारी भी एसडीपीआई के ऊपर डालेंगे या फिर किसी मुस्लिम संगठन के ऊपर डालेंगे। ऐसी नीच पॉलिटिक्स का एक पर्दाफाश करने का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मसूद के मर्डर में 8 आरएसएस के लोग पकड़े गए, बजरंग दल के लोग पकड़े गए, जब इनका मुंह नहीं खुला, जब सीएम बम्बई बात नहीं किए, और आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को देने वाले हैं। गोवा में और महाराष्ट्र में और कई जगहों पर बैन है श्रीराम सेने, अगर उनको हिंदी बोलने नहीं आता तो कन्नड़ा में तो बोले, कन्नड़ा की मातृभाषा में बारे में बार बार बड़े बड़ी बातें करते हैं। अब कर्नाटका में बसवराज बोम्मई सरकार जो है ये टोटली फेलियर हो चुकी है, इसीलिए ये लोग इस तरीके से कह रहे हैं। जब कभी लगता है आवाम इनका साथ छोड़ रही है तो तब ये लाशों पर सियासत करते हैं। ये जो श्रीराम सेने हैं ये खुद एक सबसे बड़े आतंकवादी हैं। पहले तो इनको ये नहीं मालूम, एसडीपीआई का फुल फॉर्म इनको नहीं मालूम, जहां पर सिंदगी के तहसील ऑफिस में पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले यही श्रीराम सेने वाले हैं। ये लोग संगठन बोलकर एसडीपीआई को बैन करने की बात कर रहे हैं। कोई चाइनीज ऐप नहीं है एसडीपीआई, एक पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए, सबसे पहले तो आज सुबह जो प्रोटेस्ट हुआ है गुलबर्गा में, वो प्रोटेस्ट ये लगता है कि टोटली एक फैब्रिकेटेड ये डिमांड्स लेकर यहाँ पर आए हैं। देखिए, जो श्रीराम सेने, इनसे हमारे को एसडीपीआई को हो या फिर दूसरे जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो श्रीराम सेने हैं ये खुद एक सबसे बड़े आतंकवादी हैं। ये दूसरों को पर आतंकवादी का ये तोहमत लगा रहे हैं, एहतजाज में आतंकवादी संगठन कह रहे हैं। पहले तो इनको ये नहीं मालूम, एसडीपीआई का फुल फॉर्म इनको नहीं मालूम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग संगठन बोलकर एसडीपीआई को बैन करने की बात कर रहे हैं। कोई चाइनीज ऐप नहीं है एसडीपीआई, एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ग्राम पंचायत से लेकर कॉरपोरेशन से लेकर तमाम जगहों पर असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ती है एसडीपीआई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है एसडीपीआई। लेकिन ये लोग एसडीपीआई को ऐसा समझ रहे हैं कि कोई चाइनीज ऐप बैन करने की बात करते हैं ना, उस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये श्रीराम सेने अपने आप को खुद के अंदर झांक कर देखें, इनके कारनामे क्या हैं। इन्होंने जिंदगी में, जहां पर जिंदगी के तहसील ऑफिस में पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले यही श्रीराम सेने वाले हैं, जो जेल भी जाकर आए हैं और केस भी इनके ऊपर हुआ है, और ऐसे कई क्राइम्स, ऐसे कई आतंकवादी चीज़ों में ये लोग इन्वॉल्व हैं श्रीराम सेने के लोग। तो ये लोगों को ये लोग हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, ये खुद गोवा में और महाराष्ट्र में और कई जगहों पर बैन है श्रीराम सेने, प्रमोद मुतल्लिक बैंड है, और सिद्धलिंगा स्वामी कई जगहों पर बैंड लगा चुके हैं इन लोगों के ऊपर, और कई क्रिमिनल केसेस इन लोगों के ऊपर बुक हैं। तो ये लोग आकर हमारे को लेक्चर दे रहे हैं, हमें इनके लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, जो बीजेपी सरकार है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये अपने जो भी, जब कभी इनको जब लगता है कि अवाम इनसे भरोसा छोड़ रही है, जब कभी लगता है अवाम इनका साथ छोड़ रही है, तो तब ये लाशों पर सियासत करते हैं। इनकी सियासत हमेशा लाशों पर होती है। आप देखिए, तमाम जगहों पर सिर्फ लाशों के ऊपर सियासत करते हैं। सुसाइड अगर होता है तो उस पर भी ये लोग सियासत करते हैं, कोई मर्डर होता है उस पर भी ये लोग सियासत करते हैं, कोई नेचुरल डेथ होती है उस पर भी ये लोग सियासत करते हैं। इनकी तारीख है, जब से 2014 से पहले से हम देखते आ रहे हैं कि इनकी तारीख है ये करने का, इनका एक ये मंशा है। क्योंकि अब कर्नाटका में बसवराज बोम्मई सरकार जो है ये टोटली फेलियर हो चुकी है, इसीलिए ये लोग इस तरीके से कह रहे हैं। ये लोगों का ये भी, यहाँ तक भी ये इस हद तक ये गिर चुके हैं, अगर ये लोग करप्शन करके जो नोट जमा करके अपने बंगलों में रखे हैं, अगर उसको चूहा काटा या फिर वो चूहा मर गया तो वो चूहे मरने की जिम्मेदारी भी एसडीपीआई के ऊपर डालेंगे या फिर किसी मुस्लिम संगठन के ऊपर डालेंगे। ये एक शर्मनाक बात है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है इस चीज़ों में। मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हाल ही में अशोक पुजारी जो अभी भी जिंदा है, उसकी लिस्ट, उसको डेड लिस्ट में डाला गया। उसको ये बताया गया कि ये मुसलमानों ने या फिर एसडीपीआई या फिर कोई मुस्लिम संगठन या पीएफआई ने इनको मारा है। ये शोभा करणला जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए एक ऐसी घटिया हरकत की है कि उन्होंने अपनी लिस्ट में ये नाम डाला, अशोक पुजारी,
जो अभी भी जिंदा है उसको मरा हुआ बताया है इन्होंने। उसके बाद एक सुसाइड केस, राजू मडकेरी जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर चढ़कर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, उस वक्त वो गिर गया तो उसके उसको भी मर्डर बताया इन्होंने, उसको भी मुसलमानों के ऊपर थोपने की कोशिश की। उसके बाद मंजुनाथ जो शिवमोगा में 2015 में जिसका मर्डर हुआ था, खुद उसकी वाइफ ने उसका मर्डर किया था, खुद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट ने ये क्लियर किया था। उस वक्त भी ये लोगों ने एसडीपीआई और दूसरे संगठनों के नाम डालने की कोशिश की। उसके बाद कार्तिक राज जो मंगलूर के अंदर मर्डर हुआ था, उसके बारे में भी मुसलमानों के ऊपर डालने की कोशिश की, कौन पकड़े गया, कौन अरेस्ट हुआ, खुद के रिश्तेदार अरेस्ट हुए। उसके बाद मसूद का मर्डर हुआ, मसूद के मर्डर में 8 आरएसएस के लोग पकड़े गए, बजरंग दल के लोग पकड़े गए। जब इनका मुंह नहीं खुला, जब सीएम बम्बई बात नहीं किए, जब सीएम बम्बई एक्शन लेने की बात नहीं किए। दिनेश कन्याड़ी दलित लीडर का मर्डर हुआ, बीजेपी के लीडर अरेस्टेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका मुंह नहीं खुला। अब परसों जो फाजिल का जो मर्डर हुआ सूरतकल में, उसमें कौन पकड़े गए, आरएसएस और बजरंग दल के लोग पकड़े गए, लेकिन उसके बाद इन लोगों का मुंह नहीं खुलता आरएसएस को बैन करने के बारे में, बजरंग दल को बैन करने के बारे में, श्रीराम सेना को बैन करने के बारे में। तो ये इनकी एक दोहरी एक नीच पॉलिटिक्स है, इसीलिए ऐसी नीच पॉलिटिक्स का एक पर्दाफाश करने का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आज एसडीपीआई मुसलमानों की, दलितों की, ओबीसीज की, सबकी आवाज बनकर काम कर रही है, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके वोट चले जा रहे हैं। अब आज एसडीपीआई के साथ दलित मुसलमान सब लोग एकजुट होकर हमारा साथ दे रहे हैं। एसडीपीआई एक रियल अल्टरनेटिव का काम कर रही है, इसीलिए इन लोगों को डर और खौफ है, इसीलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। तो हमें इनके बातों से, इनके बयानों से, इनके नारों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, और आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को देने वाले हैं। वो लोग साफ साफ करें कि जो भी हिंदू के साथ हो रहा है, जो कोई हिंदू को मार रहे हैं या फिर कोई हिंदू मर रहा है ऐसा सुनने में आ रही है न्यूज, तो उसके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई का हाथ है। नहीं, उनका काम ही वो है। देखिए, जब भी पुलिस, अभी एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी एक इन्वेस्टिगेशन को आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक चाल है बीजेपी की, ये हमेशा यही काम करते हैं। आखिर में ओपन होता है कि ये बीजेपी के लोग या फिर दूसरे कोई रेवलरी से या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हुआ बोलकर नजर आता है, तो ये इनका काम है। वजह क्या सर आप लगाने? मैं बोला ना, वजह एक ही है, एसडीपीआई एक रियल अल्टरनेटिव है। आज कांग्रेस ईडी के ऑफिस में बैठी हुई है, आज दूसरे दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को खमाया जा रहा है, उनके फाइल्स ओपन किए जा रहे हैं, लेकिन एसडीपीआई की फाइल कोई ओपन नहीं कर सकता और ना ही कोई एसडीपीआई की फाइल है, इसीलिए वो हमारे को ऐसी चीज़ों से डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग संवैधानिक अधिकारियों के साथ लड़ने वाले हैं। एक लास्ट, सुबह जो राम सेना मेंबर्स का जो स्टेटमेंट आया है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यही कहना चाहूँगा, खुद तो उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है और साथ ही साथ एसडीपीआई के बारे में उनको मालूम नहीं है, और वो ऐसे अल्फाज है, मैं देखा वीडियो कोई भेजे थे मुझे, मैं देखा उसके अंदर उन लोगों को बोलने तक नहीं आ रहा। अगर उनको हिंदी बोलने नहीं आता तो कन्नड़ा में तो बोलें, कन्नड़ा की मातृभाषा में बारे में बार बार बड़े बड़ी बातें करते हैं तो कन्नड़ा में बात करें, अगर वाकई में बात करना हो तो हम भी कन्नड़ा में जवाब देंगे। तो ये एक डोगलापन है उन लोगों का, उनको एक वो कहाँ से लेकर आए थे उनको हम पहचानते भी नहीं, वो कौन से तो गांव से उठाकर किराए के टट्टुओं को लेकर वो लोग प्रोटेस्ट किए हैं, उनके पास कोई आने वाला नहीं है। गुलबर्गा हो या कर्नाटका स्टेट हो, एक यहाँ पर एक जिम्मेदार जनता रहने वाली लोग हैं और ये पूरे देश को ये बताने वाले लोग हैं कि हम आने वाले असेंबली इलेक्शन में एक रियल अल्टरनेटिव आज चुन चुके हैं जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया।